मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक शख्स ने अपनी 7 महीने की गर्भवती भाभी की इसलिए गला घोट कर हत्या कर दी क्योंकि वो अपने गांव जाना चाहती थी और आरोपी शख्स उसे गांव जाने से मना कर रहा था। दरअसल उसे अपनी भाभी से प्यार हो गया था। इस मामले में कुर्ला पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुर्ला इलाके में संजय सोनकर अपनी 20 साल की पत्नी कोमल के साथ रहता था और संजय के साथ उसका मौसेरा भाई अर्जुन, ये दोनों कॉटन ग्रीन स्थित एक चाय की दुकान पर काम करते थे और साथ में ही तीनों रहा करते थे। लेकिन इसी दौरान आरोपी अर्जुन को अपने मौसेरे भाई संजय की पत्नी से प्यार हो गया था जो 7 महीने की गर्भवती थी। बुधवार को अर्जुन दोपहर करीब 12 बजे अपने घर आया और थोड़ी देर में चला गया। जब कोमल दोपहर तक अपने घर से बाहर नहीं आई तो पड़ोस की महिलाओं ने आवाज़ दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलने पर जब महिलाओं ने अंदर देखा तो कोमल जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और अर्जुन के बारे में भी बताया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही अर्जुन को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करने लगी और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कोमल अपने गांव जाना चाहती थी और अर्जुन उसे गांव नहीं जाने देना चाहता था। बुधवार को अर्जुन जब घर आकर कोमल को घर जाने से मना कर रहा था तब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्से में अर्जुन ने कोमल का गला दबाकर हत्या कर दिया। कोमल की मौत के बाद उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के भी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में कुर्ला पुलिस ने आरोपी अर्जुन पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी ACP सुरेश जाधव ने दी है, आपको सुनाते हैं। सर, कुर्ला पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का मामला था, क्या था पूरा मामला? एक कुर्ला पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में इंदिरा गांधी नगर झोपड़पट्टी है, उसमें संजय रामलोटन सोनकर, उसकी पत्नी कोमल और उसके मासी का लड़का अर्जुन सोनकर, ये तीनों रहते थे। राम, संजय और अर्जुन दोनों कॉटन ग्रीन मुंबई यहाँ पे येवले चाय के दुकान में काम करते थे। अभी 15-20 दिन पहले अर्जुन सोनकर ये उधर ही रेंट पे रहता था। कल करीबन 12 बजे के आसपास वो अर्जुन उसके घर पे आया। घर में संजय की पत्नी कोमल थी। उसके पड़ोसी वाले ने घर में आया वो देखा। उसके बाद करीबन 1 बजे वहाँ के एक पड़ोसी कुसुम जायसवाल लेडी थी, उसने उसको आवाज़ दिया तो आवाज़ नहीं आया घर से, इसलिए वो ऊपर घर से देखा तो घर के अंदर वो पड़ी थी। तो उसने देखा उसके मुंह से खून निकला था। बाजू के लोगों ने बताया, उसके बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई। हम लोग उधर गए, उसको हॉस्पिटलाइज किया, तब डॉक्टर ने बताया वो मर गई है, मयत हो गई। तब तक ये जो उसका जो देवर था अर्जुन सोनकर वहां से गया, भागते थे लोगों ने देखा, तो इसलिए हमारा शक उसके ऊपर आ गया। तो उसको हमने वटन ग्रीन से पकड़ा और कुर्ला पुलिस के डिटेक्शन ऑफिसर PI पाटिल प्रदेश और उसकी टीम और कुर्ला पुलिस के सीनियर PI ओवाड़े रविंद्र ओवाड़े, ये सब लोगों ने मेहनत करके उसको पकड़ा। उसको पूछा
तो पूछने के बाद उसने बताया कि वो गांव जा रही थी कल, तो उसको गांव जाना के लिए ये मना कर रहा था, उसमें आपस में झगड़ा हो गया, उसने उसका गला दबा दिया और उधर ही वो मर गई। उसने गुनाह कबूल कर दिया। सर ये कुछ प्यार मोहब्बत का भी रीज़न था, मारने का क्या रीज़न था सर? ये आरोपी ऐसा बोलता है, प्यार मोहब्बत का ही ये था, आरोपी को कबूल कर रहे हो। चलिए सर, ये प्रेग्नेंट भी बताया जा रहा है सर? हाँ साथ में।